जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 1.2 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। इसमें हमें बताना है कि LCM गुणा HCF बराबर है दोनों संख्या का गुणाकार। हमें दो संख्या दी गई है, पहले हमें इसका LCM निकालना है और फिर हमें निकालना है HCF और दोनों को गुणा करना है और फिर दोनों संख्या का गुणाकार करना है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं LCM। तो 336 का LCM, अब देखिए हमेशा LCM करते हैं तो हम स्टार्टिंग करते हैं 2 से। 336 यूनिट प्लेस पे 6 है इसलिए वो इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो वो 2 से होगा भाग। तो 2 से भाग करने पर 336 को हमें मिलेगा 168। ओके, अब 168 का LCM लेना है तो फिर से वो इवन नंबर है क्योंकि यूनिट प्लेस पे है 8, तो वो हो गया हमारा इवन नंबर। इवन नंबर है तो 2 से होगा भाग, तो मिलेगा 84। अब 84 इवन नंबर है क्योंकि यूनिट प्लेस पे है 4, तो वो भी होगा 2 से भाग, तो हमें मिलेगा 42। 42 भी इवन नंबर है क्योंकि यूनिट प्लेस पे है 2, तो वो भी होगा 2 से भाग, तो हमें मिलेगा 21। अब 3 × 7 = 21 और 7 × 7 = 7, तो ये हो गया 336 का LCM। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बारी है, 1, 2, 3, 4, तो हो गया 2 की घात 4। ओके, उसके बाद 3 और उसके बाद 7, ये रहा। ठीक है, 2 की घात 4, फिर 3 × 7, ये हो गया हमारा 336 का LCM। अब 54 का LCM देख लेते हैं। 54 हमेशा LCM लेते हुए स्टार्टिंग करनी है 2 से। ठीक है, तो देखिए 54, 4 हमारा यूनिट प्लेस पे है इसलिए ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से होगा भाग, तो 2 से भाग करेंगे 54 को, हमें मिलेगा 27। ठीक है, अब 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3, ये हो गया हमारा 54 का LCM। देखिए 2 × 3 की घात 3, क्योंकि 2 है और 3 जो है 3 बारी है इसलिए हम लिख देंगे 3 की घात 3। ये हो गया 336 का LCM और ये हो गया 54 का LCM। अब हमें इन दोनों संख्याओं का LCM निकालना है। ओके, अभी तक हमने एक एक का निकाला, अब हमें इन दोनों संख्याओं का LCM, तो कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट घात यदि किसी नंबर की है उसे ही हम LCM में लेते हैं। तो देखिए दोनों में 2 है लेकिन 2 की घात हाईएस्ट कितनी है, 4, तो वो हम ले लेंगे LCM में। ठीक है, 2 के बाद है 3, 3 की हाईएस्ट घात यहाँ पर है 3 की घात 3, तो वो हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नंबर है वो 7, उसकी हाईएस्ट घात 1 ही है तो उसे भी हम LCM में ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद है HCF। अब HCF क्या होता है, जो नंबर दोनों के LCM में है मतलब अवयव में है उसे हम कहते हैं HCF। तो देखिए 2, इसका पेयर यहाँ पे बन रहा है 2 का, 336 के अवयव में भी 2 है ना, और 54 के अवयव में भी 2 है, तो इसलिए ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब 336 के अवयव में भी 3 है और 54 के अवयव में भी 3 है, तो इसलिए हमारा HCF हो गया 3। बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HCF, यानी कि 2 × 3 = 6, HCF हो गया 6 और LCM हो गया 3024। अब 3024 कैसे आया, देखिए 2 की घात 4 है, 2 × 2 × 2 × 2, 2 की घात 4 है ना, तो 4 बारी खोल दिया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। उसके बाद 3 की घात 3, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 2, इससे आएगा 16, इससे आएगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो 7, 16 × 27 × 7 हमारा होगा 3024। तो ये आ गया हमारा LCF दोनों नंबर का 3024 और HCF आ गया 6। अब हमें क्या करना है, देखिए LCM गुणा HCF, तो LCM कितना है 3024, HCF कितना है 6, दोनों को कर देंगे गुणा, तो गुणा देखिए यहाँ मैंने करके बताया है, 6 × 24 = 4, ऊपर आया 2, 6 × 2 = 12 और 2 = 14, 6 × 3 = 18, तो ये आ गया 18144। ठीक है, ये आ गया LCM गुणा HCF 18144। उसके बाद
दोनों नंबर का गुणाकार, तो दोनों नंबर क्या है 336 गुणा 54, ये रहा। देखिए मैंने गुणा करके दिखाया, मैं बता देती हूँ, 6 चौक 24 का 4 ऊपर हासिल गया 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 ऊपर 1, 4 3 12 और 1 13 यहाँ पर 0, 5 6 30 का 0 ऊपर 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 यहाँ पर 1, 5 3 15 और 1 16। अब इन सबको कर देंगे प्लस, 4 4 8 और 3 11 का 1 यहाँ पे 1, 6 7 8 और ये 1 आ गया 18,144। तो देखिए LCM गुणा HCF 18,144 और दोनों नंबर का गुणाकार 18,144। तो अब हम इसे इस तरह लिख देंगे, LCM गुणा HCF बराबर दोनों संख्या का गुणाकार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।